महर्षि वाल्मीकि के सुप्रकट दिवस पर मंडी शहर के अंबेडकर नगर स्थित वाल्मीकि मंदिर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ऊर्जा बहुउद्देशीय परियोजना एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने की। उन्होंने भगवान वाल्मीकि मंदिर में पूजा अर्चना की तथा झंडा रस्म अदा की। इस मौके पर उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वाल्मीकि द्वारा हजारों वर्ष पूर्व लिखी रामायण में जो आदर्श बताए गए हैं वो आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा कि रामायण में बताए गए आदर्शों को हमें अपने जीवन में अपनाकर आगे बढ़ना चाहिए ताकि एक स्वस्थ समाज की रचना की जा सके। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि ने रामायण में भगवान श्री राम के जीवन कृतांत के माध्यम से एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श भाई, आदर्श पत्नी के गुणों को बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है ताकि पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि मंडी शहर और अधिक सुंदर व स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुकोड़ी खड का चैनलाइजेशन करने की योजना बनाई जा रही है जिससे खड में गंदगी न हो तथा वातावरण शुद्ध हो। उन्होंने कहा कि स्कोडी खड पर शीघ्र ही पार्किंग का निर्माण किया जाएगा जिसके लिए धन उपलब्ध करवा दिया गया है। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। मुख्य अतिथि ने आयोजन हेतु अपनी ऐच्छिक निधि से 20,000 तथा सराय भवन का निर्माण कार्य करवाने के लिए 2,00,000 रूपए राशि देने की घोषणा भी की। निरंतर प्रयास जहाँ शहर के लिए किया जा रहा है, शहर के अंदर भी क्योंकि मैं बहुत वर्षों से हम आप लोगों के बीच में हैं, हमारा परिवार आपके बीच में है, चाहे वो पंडित सुखराम जी के रूप में रहा हो, चाहे मुझे समय मिला काम करने का, और इसलिए इस शहर को सुंदर बनाने का प्रयास लगातार रहा। और उसके बाद लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से फाउंडेशन स्टोन भी और पैसा दे दिया गया, और जिसका काम 2 फीट के बीच में उस गंदगी को छुपाकर पार्किंग की व्यवस्था करना, क्योंकि शहर के अंदर जगह कम होने की वजह से हमारा प्रयास रहता है कि हम कोई ऐसी योजनाएं, आप अपने स्कूल बाजार में देखा, स्कूल बाजार में खुली सड़क हो गई है, लगता है शहर के अंदर अब है, वैसे ही हम सिक्योरिटी खट के अंदर। और ये काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारे जिला से मुख्यमंत्री प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं,